मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने लगातार घटना के बारे में समय समय पर जानकारियां दी। देवरिया कांड शासन प्रशासन और न्याय के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह की घटना हुई है हम सभी लोग उस मिलकर के उस घटना का निंदा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। 2023 में विधानसभा चुनाव, देश के तमाम पांच राज्यों में, तो 2024 में लोकसभा चुनाव। दर्शकों, आपको बता दें कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए 2023 में विधानसभा चुनावों का यहां पर पार्टियों के लिए जीतना बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिसकी पकड़ 2023 में मजबूत होगी उसी की पकड़ 2024 में भी काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच यहां पर उत्तर प्रदेश में जो एक हत्याकांड हमें देखने को मिला उसको लेकर यहां पर चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के देवरिया हत्याकांड की बात कर रहे हैं हम। जिस तरीके से एक परिवार के 6 सदस्य मारे जाते हैं उसको लेकर सपा हो और भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और इसको अब चुनावी मुद्दा कहीं ना कहीं बनते देर नहीं लग रही है। आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव जो है वो देवरिया जाकर परिवार वालों से मिलने वाले थे और जो परिवार के 6 सदस्य मारे गए थे उनमें बचा हुआ इकलौता बेटा जो है उसने अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि यहाँ पर जो है अखिलेश यादव की जब सरकार थी 2014 की, वो बात कर रहा था कि 2014 से ही ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। आखिर हुआ क्या था कि एक जमीन विवाद था जिसको लेकर यहाँ पर दो परिवारों के बीच में लड़ाई झगड़े देखने को मिले, जिसमें से एक परिवार के 6 सदस्य मारे गए और एक परिवार का 1 सदस्य। आपको बता दें, इसको लेकर यहाँ पर उस लड़के ने जिसके 6 सदस्य मारे गए हैं परिवार के, उन्होंने अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पूरे हत्याकांड को लेकर योगी सरकार को जो है वो जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि योगी सरकार इसके पीछे पूरी पूरी जिम्मेदार है, जवाबदेही उनकी बनती है कि क्यों उनके प्रशासन ने ये नौबत आने दी कि वो जमीन का मुद्दा सुलझा ही नहीं, और क्यों जब ये पूरी लड़ाई हुई तब उनका प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी, सो रहे थे। इसको लेकर तमाम यहाँ पर जो है सवाल उठाते, निशाने साधते नजर आए अखिलेश यादव योगी सरकार पर। क्या क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने लगातार घटना के बारे में समय समय पर जानकारियां दी। देवरिया कांड शासन प्रशासन और न्याय के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह की घटना हुई है हम सभी लोग उस मिलकर के उस घटना का निंदा करते हैं। ऐसी दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली। इधर ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी कि जहां पर इस तरह का घटनाक्रम हो के लोगों की एक साथ इतने लोगों की जान चली जाए। जिस समय घटना हुई उसके बाद सभी चैनल, टीवी और सबने जानकारी देना शुरू कर दिया। मुझे याद है मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो बयान सुना जिसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि घटना के बाद रिटेलिएशन में दूसरी घटना हुई है। तो ये विषय शासन प्रशासन और न्याय के लिए महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि अभी तक सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, घटना पहली कैसे हुई उसकी भी सच्चाई अभी तक सामने नहीं ला पाए। प्रेम यादव का मरना, उन्हें घर बुलाना, उसके बाद किसी धारदार हथियार से जान ले लेना, उसके बाद आसपास के क्षेत्र पे ये सूचना जाना मिल जाना कि उनकी जान चली गई, लोग गए और उसके बाद ये घटना हुई। मैं मौके पे घटना में पहुंचा हूँ, देखा है मैंने उस परिवार के रहने का और उस परिवार में जो घर बना वो मैं देख करके आया हूँ। वो घर और ये घर
जहां प्रेम यादव थे दूर था। आखिरकार किन परिस्थितियों में वहां जाना पड़ा उन्हें? क्या वजह थी कि सुबह ही सुबह वो मौके पे चले गए? अगर किसी की नियत मंशा ये थी कि उसे हमला करना है, या उसकी नियत मंशा ये होती कि उस पर हमला होगा, तो वो तैयारी से जाता किसी भरोसे के साथ और अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ से वहाँ प्रेम यादव पहुँचे। उसके बाद उनकी जान ले ली गई। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मौके पर, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मंडल मत बोलिए क्योंकि दूसरा जिला बगल का जिला भी घर मानते हैं, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, वो अपने आप को दावा करते हैं कि वो घर है उनका और जनता ने वोट भी दिया उन्हें। लेकिन जीरो टॉलरेंस वाले लोग इस तरह की भेदभाव फैलाएंगे, इस तरह की घटना होने देंगे और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे आप? ये जितनी भी तस्वीरें आई हैं, जो बीजेपी के नेताओं की आई हैं तस्वीरें, मैंने देखी हैं और लोगों ने चर्चा की उन तस्वीरों को देख करके, बीजेपी के लोग घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं उन्हीं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विकास दुबे उसकी गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर किया था, तो क्या उसके परिवार के लोगों से आपने गले लगाया था, गले मिलने गए थे आप? और याद कीजिए वो जगह कानपुर देहात की, जहां एक पिता के सामने उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जान ले ली बुलडोजर ने आग लगा करके। क्या ये बीजेपी के लोग उनके परिवार के लोगों से गला मिलाए लगे थे जाकर के? और मुझे याद है जब उसका परिवार का बेटा डीएम आवास में धरना दे रहा था ठंड में, उसके पूरे कपड़े उतरवा करके पुलिस ने पीटा था, उसको मारा था। उत्तर प्रदेश के लोग वो घटना भी नहीं भूलेंगे कि जहां पे एक आईपीएस ने एक ब्राह्मण परिवार की जान ले ली थी, आईपीएस उत्तर प्रदेश नहीं रह पा रहा था, भगोड़ा बन गया था, अंततः उसको जेल जाना पड़ा। तो बीजेपी के लोगों से मेरी यही सलाह है, बहुत छोटे लोग हैं, किसी के दुख में चश्मा लगा करके तुम दुख प्रकट करना चाहते हो? इससे ज्यादा घटिया काम राजनीति में कोई नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो घटना में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं अगर ये निष्पक्ष हैं और जीरो टॉलरेंस इनके मन में है अगर, तो दोनों परिवारों की मदद करें और भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बुलडोजर से इस घर को डराना चाहते हैं? सवाल घर का गिरने का नहीं है, सवाल आपकी नियत का है और आपने अपने फैसले में ये स्वीकार कर लिया है कि आपके अधिकारी गलत थे और गलत अधिकारियों अगर नहीं थे वो अधिकारी गलत, तो बताइए आपको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, जो अधिकारी यहाँ रह भी नहीं रहे, कभी नौकरी किए थे, आपने बड़े अधिकारी क्यों छोड़ दिया? आपने क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आपको ये महसूस हो रहा था कि छोटे अधिकारियों के कारण ही ये जमीन इस तरह के विवाद बढ़ा है, तो आपने बड़े अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया? आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कहां चली गई? और फिर आप इस घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो? आप सवाल यह नहीं है कि एक समुदाय किस जाति बिरादरी का है, दूसरा समुदाय किस जाति बिरादरी का है, सबसे बड़ा सवाल है इस सरकार में इन लोगों की जान गई है और आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से उन परिवारों के सदस्यों की जान नहीं आने वाली, और ये जो डर दिखा करके आप डरना चाहते हो, जब जनता खड़ी हो जाती है, जनता की ताकत के सामने सरकार की ताकत टिक नहीं सकती, सरकार की ताकत कुछ भी नहीं है जनता की ताकत के सामने। आज इस परिवार के और सदस्यों पे आप अन्याय कर रहे हैं, FIR लिखने का तरीका क्या उंगली नहीं उठाता? और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप में से कुछ लोग कानून की जानकारी रखते हैं, कानून को समझते हैं, क्योंकि इतना अनुभव आपको हो गया है घटनाओं को देखते हुए और अधिकारियों से बात करते हुए आप समझते होंगे
सोचिए परिवार एफआईआर नहीं लिखा। तो देखा आपने कितने तेवर भरे अंदाज में यहाँ पर अखिलेश यादव जो हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं देवरिया हत्याकांड को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर कहीं पीछे नहीं हटती है और वो भी लगातार यहाँ पर जो है अखिलेश यादव पर वार करती नजर आती। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले को लेकर यहाँ पर यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी गुंडाराज जो है वो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिस तरीके की छवि अब बनाने की कोशिश की जाती है कि वहाँ पर योगी राज है, वहाँ गुंडाराज खत्म हो गया है, वहाँ प्रशासन सख्त है, कानून सख्त है, लेकिन जब इस तरीके के हत्याकांड सामने आते हैं, जब हाथरस जैसे हमें केस देखने को मिलते हैं, तब ये साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जो गुंडाराज है, जो क्राइम है, वो खत्म नहीं हुआ है। एक परिवार के 6 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, पुलिस क्या कर रही होती है, वो जमीन विवाद क्यों नहीं सुलझता है, इसको लेकर यहाँ पर अखिलेश यादव भी यहाँ पर योगी सरकार पर हमले बोलते नजर आ रहे हैं। और खासकर तब जब चुनावों का दौर जारी है, तो क्या इस पूरे मुद्दे का यहां पर चुनाव में कोई असर उत्तर प्रदेश में हमें लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं, क्या सोचते हैं आप इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।